जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन ने मार्शल आर्ट फेरी शॉट कॉन्फ्रेंस को जीत लिया था, जिस चीज से वो तो खुश होता ही है, साथ ही साथ मास्टर साओ भी बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जितने भी रिसोर्सेस लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो और पहले से भी और ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाओ, जिस पर चेन उनकी बात मान जाता है। और अब रात को चेन किंगयू के साथ बैठकर अपने इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ वुशुंग ग्रैंडफादर बेली को संभालते हुए आ जाती है। यहाँ किंगयू और मास्टर बेली को बहुत ज्यादा शराब पी लेने के कारण नशा हो जाता है और वो दोनों वहीं टल्ली होकर बेहोश हो जाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेन और वुसुंग भी अब ड्रिंक करने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो इसे पीते किंगयू को फिर से होश आ जाता है और वो वहाँ नशे में उल्टा सीधा कुछ का कुछ ही बड़बड़ाने लगती है और थोड़ी देर में दोबारा से ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर वुसुंग चेन से कहती है कि लगता है आज का दिन हमारे ड्रिंक करने के लिए सही नहीं है, इसलिए हम फिर किसी दिन एंजॉय कर लेंगे। ऐसा कहकर वो चेन को एक मेडिसिन देती है और फिर अपने ग्रैंडफादर को वहाँ से लेकर जाने लगती है, जिस पर चेन भी उसे जाने का कहता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम किंगो को उसके रूम में कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, क्योंकि चेन के साथ हुई फाइट में किंगो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। वो लगातार तब से कल्टीवेशन करने के बावजूद भी खुद को पूरी तरीके से हील नहीं कर पा रहा होता है और उसे अब भी हील करने के लिए टाइम लगने वाला होता है। तभी वहाँ खड़ा एक बंदा यानी कि दूसरा मास्टर कहता है कि आखिर कौन जानता था कि वो कमजोर सा दिखने वाला लड़का इतना ज्यादा पावरफुल होगा, उसके पास इतनी सारी स्प्रिट्स होगी। जिस पर मास्टर साहब कहते हैं कि हम में से किसी को भी इस बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि चेन के पास एम्परर लेवल की इतनी सारी स्प्रिट्स होंगी। अगर इस बारे में सबको पहले ही मालूम पड़ जाता तो शायद ही कोई उससे लड़ने जाता या फिर शायद ही कोई उसे हराने का सोच पाता और वो बिना लड़े ही उस फेरी शॉट कॉन्फ्रेंस को जीत जाता। लेकिन मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। कल का आया हुआ नया डिसाइपल इतनी जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करके यहाँ तक पहुँच गया कि एक से एक नई इतनी सारी स्प्रिट्स को समन कर ले। जरूर उसमें कुछ न कुछ तो खास बात है, शायद ये चीज उसे उसके फादर से ही प्राप्त हुई होगी, तभी वो इतनी सारी कम उम्र में भी इतनी सारी स्प्रिट्स को समन करने के साथ साथ उन्हें एक साथ ठीक से संभाल भी पा रहा होता है। क्योंकि एक नॉर्मल डिसाइबल जो कल्टीवेशन करके पावरफुल बनता है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक साथ इतनी सारी स्प्रिट को समान कर ले। अगर कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा करता है तो उसकी पावर ओवरलोड होने के कारण उसके मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी एक दूसरा मास्टर कहता है कि मैंने तो सुना है कि चेन ने उस डेविल एम्परर से भी फाइट किया है और उसे बराबर की टक्कर दिया था। जब वो उससे उसके लेवल का लड़ सकता है तो किंगो उसके सामने कौन सी बड़ी चीज है। किंगो और चेन के लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस है और किंगो उसके सामने बहुत वीक है, जिससे उसे चेन से लड़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई हुई होगी और वो हार गया। लेकिन अगर इसके पास भी स्प्रिट्स होती तो ये भी उसको जबरदस्त टक्कर देता और शायद हो सकता है कि ये भी जीत जाता। जिस पर मास्टर साहब कहते हैं कि वो तो वर्ल्ड क्लास डिसाइपल बन गया है और ऐसा डिसाइपल आज तक पूरे कुनलुन माउंटेन की हिस्ट्री में कभी नहीं आया जो इतनी जल्दी पावरफुल बनके नंबर वन में आ सके। हम आगे से चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले हम शायद ही उसे हरा पाएंगे। उसे हराने के लिए हमें कोई उसके जितना ही पावरफुल चाहिए होगा जो उसे हरा सके, वरना भूल जाओ इस चीज को, क्योंकि किंगो या कोई नॉर्मल डिसाइबल उसकी स्प्रिट का सामना नहीं कर सकते। तभी किंगो भी अपनी कल्टीवेशन से जाग जाता है और कहता है कि मैं इस हार से बहुत ज्यादा दुखी हूँ और मुझे चेन से अपने इस हार का बदला लेना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक स्प्रिट चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसे दोबारा हारूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे वो स्प्रिट्स कहाँ मिलेगी जिसका इस्तेमाल करके मैं चेन को हरा सकूं। ये सुनने के बाद वो दूसरा मास्टर किसी इमोर्टल पूल के बारे में बात करने लगता है और कहते हैं कि सिर्फ यही एक जगह है जहां पर किंगो को स्प्रिट्स मिल सकती है। ये जानने पर मास्टर साहब हैरान हो जाते हैं और वो दूसरे मास्टर्स पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम जानते हो भी कि वो तुम क्या कह रहे हो, वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो जगह एक फॉरबिडन प्लेस है और वहाँ जाना किसी को भी अलाव नहीं है। उस जगह को बड़े बड़े इमोर्टल्स के द्वारा उनकी बेस्ट से बेस्ट पावर से सील किया गया है, वहाँ जाने का सोचना भी गलत है, इसलिए वहाँ जाने के आइडिया को ड्रॉप कर दो। इस पर वो सेकंड मास्टर कहते हैं कि ग्रेट वॉर को हुए हजारों साल बीत चुके हैं, इसलिए अब तो वहाँ पर जा ही सकते हैं। आपको इस बारे में एक बार और सोचना चाहिए, क्योंकि अगर किंगो को वहाँ जाने के बाद उसकी स्प्रिट्स मिल जाती है तो ये उसके लिए कितना अच्छा होगा और वो चेन से अपना बदला भी ले लेगा। लेकिन मास्टर साहब इस चीज के लिए रेडी नहीं होते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। हर 300 साल में वहाँ लगी सील को पावर्स दी जाती है ताकि वो सील पावरफुल बन सके।
क्योंकि एक बार अगर वो सील टूट गई तो उसके पीछे रह रही इविल पावर बाहर आ जाएगी और चारों तरफ तबाही मचा देगा। इसलिए वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। इसलिए मैं किंगो को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकता, भले ही क्यों ना वो बिना स्प्रिट के ही रह ले। वो ऐसे ही कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा लेगा ताकि वो चेन से लड़ सके। मैं उसे वहाँ जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा। जिसके साथ ही वो मास्टर साओ को दोबारा से सोचने का कहते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चेन से बदला लेने के लिए खुद ब खुद घुटते रहेगा और इससे उसे कल्टीवेशन में भी रुकावट आएगी और इस हिसाब से वो चेन तो क्या बाकी डिसाइबल के से भी कमजोर हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, हमें वहाँ किंगो को अकेला नहीं भेजेंगे, हम उसके साथ बाकी के कुछ स्टूडेंट और कुछ बिस्ट को भी भेजेंगे ताकि वो किसी भी खतरे से लड़ सके और किंगो की रक्षा करे। इस तरह किंगो वहाँ से ग्रेट इविल से लड़ने के बाद उन स्प्रिट को भी पा सकता है, जिस पर किंगो भी अपनी जगह से उठते हुए मास्टर साहब से कहता है कि दूसरे मास्टर ठीक कह रहे हैं, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि जब से मैं चेन से हारा हूँ ये चीज मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं ठीक से कल्टीवेशन भी कर नहीं पा रहा हूँ और हर टाइम यही सोचता हूँ कि कैसे उसे हराऊं और मुझे सिर्फ यही रास्ता दिखाई दे रहा है जिसे मैं अपने स्प्रिट्स को हासिल कर सकूं। ऐसा कहा जाता है कि उस फॉरबिडन प्लेस पर एक इमॉर्टल पूल है और वहाँ जाने के बाद कोई भी अपने स्प्रिट को कल्टीवेट कर सकता है और जिसके बाद उसके पास वो स्प्रिट्स आ जाएगी। मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है, इसलिए आप मुझे वहाँ जाने के लिए अलाउ कर दे। किंगो की कंडीशन देखकर और उसकी चेन को हराने के जुनून को देखकर ना चाहते हुए भी मास्टर साहब को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे एक सील ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जाओ और कैसे भी करके जिंदा वापस आना। इसके बाद हम एक डीमन हॉल को देखते हैं जहां एक डीमन लीडर बैठा होता है, यानी कि एम्परर बैठा होता है। तब उसके पास 8 नंबर वाला एक डीमन जनरल आता है और वो डीमन एम्परर को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपने मुझे याद किया, मेरे लिए क्या ऑर्डर है। जिस पर डीमन एम्परर कहता है कि कुछ दिन पहले कुनलुन माउंटेन में एक मार्शल आर्ट शॉर्ट फेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें एक डिसाइबल के पास बहुत ज्यादा पावर थी और उसने काफी सारे स्प्रिट्स को भी समन किया था जिसकी पावर देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी इमॉर्टल फेरी का बेटा है, इसलिए तुम जाओ और उसे मार दो। जिसके बाद वो वहाँ पर 2 और डेविल जनरल को बुला लेता है और उन सबसे कहता है कि जाओ और उस बच्चे को खत्म कर देना। दोस्तों दरअसल इस डीमन जनरल की चेन के फादर के साथ कुछ दुश्मनी होती है और उसे डर है कि ये लड़का कहीं उसी का बेटा है क्योंकि दोनों की पावर थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, कहीं ये लड़का उसके लिए आगे जाकर मुसीबत न बन जाए, इसीलिए वो उन सबको उसको मारने के लिए कहता है। जिसके साथ ही वो सियाओ को भी जिंदा यहाँ लाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद सीन चेंज की ओर शिफ्ट होता है जो अपने रूम में बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है क्योंकि उस फाइट के दौरान उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है, जहां वो अपने क्योस वर्ल्ड में पहुंच जाता है और कुछ ही देर में उसकी आधी पावर भी रिकवर हो जाती है और अपनी पूरी पावर को रिकवर करने के लिए वो अपने पास से कुछ इंग्रेडिएंट को निकाल लेता है और उनकी मदद से कल्टीवेशन करने लगता है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।